महत्वपूर्ण जी के दरबार में हम सब लोग इकट्ठे हुए, मैं माँ अन्नपूर्णा के चरणों में अपने प्रणाम रखना चाहता हूँ। जितने हमारे दरबार लगे हुए हैं देवी देवताओं के, उन सभी के चरणों में अपना प्रणाम। मंच पर मेरे दो भाई बैठे हैं, लटू इलेक्ट जी और अर्जुन चांद जी। अर्जुन चांद जी को आपने सुन लिया है, लटूरी जी को सुनना था, लेकिन आप लोगों की आवाज़ में मुझे बुला लिया। मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आइए, मंच पर जो राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, ये मेरी इच्छा है, ब्रिज का रहने वाला हूँ। राधा कृष्ण में हर वक्त रमना पड़ता है। आज आप लोगों ने मुझे मेरी कविताएं सुनने के लिए आपने बड़ा मन में संकल्प लिया था और बड़ा उत्साह था, लेकिन इस बारिश ने आपका उत्साह कम किया। लेकिन आपके जो अंदर का कविता सुनने का जो मन था, उसने इंद्र देवताओं को बिखरा दिया और आपके उत्साह को भी ठंडा दिया। गीत आरंभ करने से पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है वहां तक भीड़ हो, कविता सुनने वाले होने चाहिए, कविता देखने वाले होने। आप लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं सिर्फ कविता सुनने के लिए आए। मैं छतरपुर में बहुत आया हूँ, 10-15 बार आ चुका हूँ और बहुत छोटे पन से आ रहा हूँ। मेले में बहुत सारी भीड़ के सामने कविताएं पड़ी हैं। वो भीड़ नहीं भाड़ होता है, ये भीड़ नहीं, ये एक अच्छा कंटेंट वाला एक ऑडियंस बस हमको मिला है। आइए मुक्तकों से शुरुआत करता हूँ। कवि जनेश जी की मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं, वहां से कविता का सफर शुरू करता हूँ। कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी पत्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी पत्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बार तुम्हारी बस्ती में, मन के सूने आंगन में गरे घटा बन जाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी। मैं भगवान कृष्ण और राधा के चरणों में अपनी प्रथम अंजलि भर अंजलि प्रस्तुत करता हूं। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा। आपकी मोहब्बत चाहिए मुझे अगली पल। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, बंद करता कि तुम अगर स्वर बनो राघ बन जाऊं मैं, तुम अगर स्वर बनो राघ बन जाऊं मैं, तुम रंगोली बनो भाग बन जाऊं मैं, तुम रंगोली बनो भाग बन जाऊं मैं, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम तपस्या तो बैराग बन जाओ। ये होती है कविता सुनने की लय। मैंने कहा नहीं था आपसे दाद देने के लिए, फिर भी आपने दाद दिया। जहां कविता बोलती है वो अपने आप हाथ खुल जाते हैं। तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा,
तुम तपस्या तो पैराग बन जाओ मैं, नींद बन कर अगर आ सको आँख में। शब्दों का चमत्कार कि नींद बन कर अगर आ सको आँख में, मेरी पलकों को आराम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर रागिका बन कर, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा। मेरे होठों की वैसी जो बन जाओ तुम। अगले मन में नायिका से बात करने की कोशिश की है, अगर ये कोशिश आपकी कोशिश से थोड़ी सी मेल खा जाए तो कोशिश कामयाब हो जाएगी। मैं पढ़ता मैं बना लूंगा तुम रूठ कर देख लो। देखिए हम ऐसा लगता है कि हम अपनी नायिका से बात करते हैं। प्रेम जब थोड़ा सा ऊपर उठता है, तन से थोड़ा सा ऊपर उठता है, मन पे चला जाता है, तो आध्यात्म में परिवर्तित हो जाता है। मैं क्या समझ के पढ़ रहा हूं आप समझिए कि मैं ईश्वर से बात करता हूं। मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, जोड़ लूंगा तुम्हें टूट कर देख लो। हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। मेरी धड़कन पे धड़कन मिला लो जरा, क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरी धड़कन पे धड़कन मिला लो जरा, जो भी कुछ खास है आम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा। मेरे होठों की वैसी जो बन जाओ तुम। कबीरदास जी ने कहा कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी बात कहने का तरीका आपके पवित्र प्रांगण में रखता हूँ, कहीं कोई ठीक ठीक हो गया हो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पढ़ता हूँ। दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते, अभी सुनो गीतकार। दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते, खुद को शीशे में फिर ढाल कर देखते। शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, मेरी आंखों का जल डाल कर देख। शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, मेरी आंखों का जल डाल कर देखते। और गीत की अंतिम पंक्ति पर पूरे गीत की आत्मा को रहता हूं, फिर वही पहुंचे कि एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, वरना सावन भी बदनाम हो जाएगा। कल तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा। मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तो, सारा तन पार ब्रिज धाम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन।
जिंदगी में आज पहली बार मैंने बिना मुस्तकों के सीधे सीधे गीत शुरू किया। 32-33 वर्ष हो गए जिंदगी में, कविता की जिंदगी में, कवि सम्मेलनों के मंच पर हमेशा मुक्तकों से शुरुआत करता था, लेकिन आज माहौल इतना पवित्र है कि मैं अपने मुक्तक भूल गया कि मुझे सुनाना भी चाहिए था या नहीं सुनाना। और सबसे ज़्यादा मैं आपकी हिम्मत और साहस के प्रति इतना नतमस्तक हूँ, मैं बहुत भाव विभोरों से कह रहा हूँ। यहाँ के अन्नपूर्णा मंदिर की कमेटी, जल विहार मेरा कमेटी के सारे सदस्य कि जिन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया और ये दोबारा इस आयोजन को बिल्कुल टूट चुके थे वो कि ये आयोजन नहीं हो सकता। दो बार मेरे पास होटल में गए थे कि किसी भी तरह से इसको पोस्टपोन कर दीजिए, कल कर लीजिए। मैं सच बताता हूँ, अगर मेरा कल दिन खाली होता तो मैं ज़रूर रुकता, लेकिन आपका मन देख करके मैं भी अंदर से टूटा हुआ था। उत्साह तो उत्साह है, हम भी उत्साह से आए थे, लेकिन आपका उत्साह देखा तो हम भी अंदर अंदर टूट गए। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। देखिए आप मुझे महसूस मत होने दीजिए कि ये प्रांगण वहां तक भरा हुआ नहीं। आपका एहसास, आपकी तालियां मुझे बताएं कि कोई बारिश नहीं हुई, कोई भीड़ कम नहीं है, कोई उत्साह कम नहीं। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले। बहुत बहुत देखिए बेटे, यहाँ व्यक्ति बात है, इशारों में बात करिए, जैसे लड़का लड़की से इशारों में बात करते हैं इस तरह बोलिए। भाई प्रवीण गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार उन्होंने और बुलाया था, इसी तरह से नाइट की थी और तब मेरे साथ में आत्मप्रकाश की थी, तो ये बहुत बड़े देश के कवि और एक महीने से मुझे कांटेक्ट में रहे हैं। बहुत उत्साह था उन्होंने उनके अंदर, और सच बताता हूँ उन्होंने तो बहुत सारी बातें मुझसे कही थी और बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं, मैं बहुत आया हूँ। एक मुक्तक पढ़ता हूँ आपके बीच में, अगर आपने ठीक से सुन लिया तो ठीक वाला तीरे की इख्तियार, क्योंकि आज मुझे ही सुनाना है और मुझे सांस मिल जाए इसलिए लटूलीलट बीच में आए, थोड़ा सा आराम मिल जाए। जितनी देर सुनेंगे उतनी देर सुनाऊंगा, गला साथ देता रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे मेरे ऊपर। गुड्डू भैया आप बहुत अच्छा बोलते हैं और भाजपा वाले तो बोलते ही बढ़िया है। उनको ट्रेनिंग दी जाती बोलने की। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि काम करते हैं, लेकिन आज उन्होंने मंच पे काम किया है और पैसे भी दिए, गति भी दी और आगे भी कहा कि मैं जो भी जरूरत होगी आपकी पूर्ति करूंगा और यहाँ हॉल भी बनवाएंगे। तो आदमी को संकल्प भी होना चाहिए, बातों से काम नहीं चलता, उनके अंदर बातें भी हैं और काम भी है। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, मुझे आपकी लाइव में चाहिए दोस्त। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की दुआएं चाहिए मुझे। हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष जी थे तो मुख्य कमल जी, कमल जी आपको भी कुछ राशि बोलनी चाहिए थी। इतने बड़े उद्योगपति आपने राशि नहीं बोली, पहले अंदर से बोलते हैं। चलिए ये भी नया चमत्कार अंदर से बोलते हैं, भैया तो बाहर बोल रहे हैं, बुझो भैया आप भी अंदर से बोला करो। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ,
जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद। मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। बहुत अच्छा सुना, मुझे लग रहा था कि इस मुक्तक पर जरूर आपके हाथ में, और आप अंदर से भी बोलेंगे और बाहर से भी बोलेंगे। आपने अंदर से भी मुझे अपनी दाद दी और बाहर से भी बोलते दाद दी, बस ऐसे ही बने रहिएगा थोड़ी देर और। मैं एक मुक्तक और बोलता हूँ, ये मुक्तक जी इच्छा हो गई बाहर से बोलने की हमारी, चलिए मान पूर्णा की कृपा दे जो दोनों को भी बोली दे देती है। ये मैंने जब मुक्तक पढ़ा एक जगह तो मेरे गीत सुनने के सबसे बड़े के लिए आदरणीय नीरज जी ने कहा, मैं सच बताता हूँ ये मुक्तक मैंने अपने महबूब के लिए लिखा था। क्या बात है, मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है। लेकिन जब मेरे गीत सुनने के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपालदास नीरज जी ने कहा, विष्णु तुमने किसी के लिए लिखा हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तुम पढ़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात करते हो, खुदा से बात करते हो, ईश्वर से बात करते हो, वो मुक्तक मैं आपको सुना। मुझे नहीं मालूम, मैं तो वही समझ के सुना रहा हूं जिसको समझ के मैंने लिखा। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेरा कर दे। अब पंक्ति और दाद चाहिए मुझे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेरा कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेरे में अकेला, तेरी याद आए तो मेरे में अकेला कर दे। बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं, जितना खूबसूरत आप सुनते जाएंगे मैं मुझे अंदर से उतना उत्साह बढ़ता चला जाएगा। हमारे पास हारमोनियम तबला नहीं है, हमारे पास सिर्फ शब्द है, और शब्द के सामर्थ्य की वजह से हमें ईश्वर ने एक ऐसी नियामत दी है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है साहब कि मैं बहुत बड़ा कवि, मैं बहुत बड़ा गीतकार, मैं मेरे अंदर एक कोई बैठा है जो आपको सुना रहा है, और आपके अंदर कोई ऐसी ईश्वरी शक्ति है जो उसे सुन रही है, और कुछ नहीं हमारे आपके बीच में, तुम और आप दोनों माध्यम है, सारी शक्ति ये है। क्या पता किसी दिन मेरी आवाज खामोश हो जाए, सिर्फ उसी की ताकत है, उसकी आवाज मेरी आवाज को बनाए रख रही है, तो मैं आपके माध्यम आवाज के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेरे में अकेला कर दे, सोचता था कि मैं तुम गिर के समर जाओगे, बहुत मजा आया देखे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, ना तो मौसम थे ना हालात ना तारीख ना दिन, ना तो मौसम थे ना हालात ना
तारीख नबी ना तो मातम थे ना हालात ना तारीख ना दिन किसे पता था कि तुम एक बदल जाओ किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरे चार पुस्तक आप तक पहुंचे। मैं गीत आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ और एक ऐसा गीत सुनाना चाहता हूँ बिल्कुल नया, बहुनी करता हूँ आपके शहर में। बेटे मैंने पहले बेटे बात नहीं, मैं कर दो बात है। अभी तुमको पता नहीं कि उसमें कैसे खराब हो जाता है, कैसे बैठा जाता है। सिर्फ आज आज सुनने के लिए बस काम से बैठे रहो, यही सीख के चले जाओगे तो ही काफी। तुम कविता सीखो या ना सीखो। वाह, मैंने एक गीत बहुत आसान जुबान में लिखा है। जब आपका कोई प्रिय, जैसे आप बहुत चाहते हैं, आपसे अलग हो जाए और 20-25 वर्ष बाद आपको एकदम अचानक आपके सामने पड़ जाए और मिले, तब आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं, उस फीलिंग्स के ऊपर मैंने की। बस आपकी फीलिंग भी मुझे चाहिए दाद देने के लिए, मैं अपना बेस्ट जो है वो आपको सुना। गुड्डू भैया खाते भी रहो सुनते भी रहो। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, दूधिया दूधिया ये बदन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, दूधिया दूधिया ये बदन हो गया। अब पंक्ति सुना कि थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, मिलते तो गले शिक्वे होते हैं। थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। चांद मेरा मिला, दूधिया दूधिया ये बदन हो गया, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा। बस फिर अचानक ही ठंडी हवाएं चली जो कि पानी बरसने का संकेत था। जहां तक मैं बात कह रहा हूं वहां तक पहुंचेगा। जब बहुत दिन बाद मिलते हैं तो गिले शिकवे तो बाद में होते हैं, पहले रोना शुरू हो जाता है कि शायद हम एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ति कर देते तो हम अलग अलग ना होते। फिर अचानक ही ठंडी हवाएं चली जो कि पानी बरसने का संकेत था। कितनी बारिश हुई कुछ पता ना चला, इतना तन का ये झुलता हुआ रेत था। कौन परता कमल कौन भीगा बहुत, कौन परता कमल कौन भीगा बहुत, प्यासे अधरों का बस आचमन हो गया। थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, मुद्दतों से जो कलियां खिली ही नहीं, पंखुरी खोल अब मुस्कुराने लगी। मुद्दतों से जो कलियां खिली ही नहीं, पंखुरी खोल कर
मुस्कुराने लगी। देख करके बबूलों के घर रौनके नाग फनिया भी मेहंदी रचाने लगी। मैं वही देखा था छतरपुर कहाँ गया। देख करके बबूलों के घर रौनके नाग फनिया भी मेहंदी रचाने लगी। शाख भी झुक गई, सांस भी रुक गई। विजय राय कहता हूँ देखा। शाख भी झुक गई, सांस भी रुक गई। इतना मदहोश मेरा चमन हो गया। बुरा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। जब हम अपने खास व्यक्ति से जब बात करते तो समय का पता नहीं चलता, और जब हम किसी दुश्मन से बात करते तो थोड़ा सा भी समय बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन इस समय में अपने खास व्यक्ति से बात करते मैं पंक्तियां पढ़ता। बात ही बात में सांझ होने लगी, रात रानी की कुछ टहनियां हिल गई। ये सारी गुफ्तगू पार्क में हो रही है, देखेगा। बात ही बात में सांझ होने लगी, रात रानी की कुछ टहनियां हिल गई। हाथ जैसे ही मैंने बढ़ाया तभी इस शहर की सभी बत्तियां जल गईं। हाथ जैसे ही मैंने बढ़ाया तभी इस शहर की सभी बत्तियां जल गईं। ढेर से स्वप्न है नींद आती नहीं, ढेर से ख्वाब है नींद आती नहीं। मेरी पलकों पे इतना वजन हो गया। थोड़ा मैंने कहा, थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे लाने चांद मेरा मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने एक नया गीत आपके बीच में रखा और आपने उसे इतनी मोहब्बत दी कि मैं अब आगे भी सुना सकता हूँ। क्योंकि जहाँ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते हैं, जहाँ 8-10 कवि होते हैं, वहाँ हिम्मत नहीं पड़ती नई गीत को इंट्रोड्यूस करने की। यहाँ आप लोग सुनने वाले हैं, इसलिए मैंने हिम्मत कर दी और आपने मोहब्बत दी, इसको अपनी मोहब्बतों के सहारे इसको ताकत दी। मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ। जिनकी वजह से आज दिवाली ईद है, ये सारी निगाहें भी उन्हीं की मुरीद है। मेरे तमाम गीत आज उनके नाम हैं, मेरे तमाम गीत आज उनके नाम हैं। सरहद पे जाके आज हुए जो शहीद। कोई बात नहीं, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा जो आप, और चलिए वही सुना देता हूँ जो आप इसके बाद। उसके बाद फिर आप खामोश हो जाओगे, जो उम्मीद है बीच बीच में फिर मत कहना उरी उरी। जाने कैसी कैसी पीड़ाएं अंदर से निकल रही, जाने कैसी कैसी पीड़ाएं अंदर से निकल रही। कैसे गाऊंगी इस देश की सीमा शोले उगल रही। कैसे गाऊंगी इस देश की
सीमा शोरे उदल रही। इस समय हमारे देश की सीमाएं बहुत गर्व है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नापाक लोग घुस रहे हैं जो हमारी शांति को, हमारे अमन चैन को भंग कर रहे हैं। अभी 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। मैं उन शहीदों को समर्पित करता हूँ। कैसे गाऊं गीत देश की सीमा शोले उगल रही। जिसको दोस्त समझ के घर में मन था ईद मनाने का, जिसको दोस्त समझ के घर में मन था ईद मनाने का, उसका काला मन था दिवाली के दिए बुझाने का। जिसको दोस्त समझ के घर में मन था ईद मनाने का, उसका काला मन था दिवाली के दिए बुझाने का। हो करके तैयार खड़ा तेजाब भरे पिचकारी में, आग लगानी चाहिए मेरी हरी भरी फुलवारी में। केतर की क्यारी में दहशत की ज्वालाएं निकल रही। कैसे गाऊं गीत देश की सीमा शोले उगल रही। हमारे पुलिस के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, ये हमारे शहर की रक्षा करते हैं और हमारे सीमाओं पे जो शहीद है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। काम दोनों का बराबर है। लेकिन मैं गीत को आगे बढ़ाता हूँ और आपको करुणा के उस धरातल पे ले जाना चाहता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रथ नहीं है, लेकिन उस रथ में एक हिम्मत की है मैंने कलम चलाने। एक सैनिक जो सीमा पर लड़ने जा रहा है, अपने घर वालों से कहके आ रहा है कि जा रहा है कि मैं जल्दी नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे काम है, देश की हिफाजत करनी है। अब सुन, कैसे गाऊं गीत देश की सीमा शोले उगल रही। कल सरहद से चिट्ठी आई जल्द ए ए भाई तुमसे कह रहा हूं, हमारी सुनो यार, हम सुनाएंगे, हम तुमको सुनने आए हो। कल सरहद से चिट्ठी आई जल्द नहीं आ पाऊंगा, दुश्मन सीमा पर बैठा है उसको पहले बताऊंगा। सरहद से चिट्ठी भेज रहा है अपने घर वालों। कल सरहद से चिट्ठी आई जल्द नहीं आ पाऊंगा, दुश्मन सीमा पर बैठा है पहले उसे भगाऊंगा। मुन्ना भी बहुत छोटा है प्यार से उसको समझाना, पत्नी को चिट्ठी लिखती हो। मुन्ना भी बहुत छोटा है प्यार से उसको समझाना, मुन्नी को कपड़े बाजार से माँ को साड़ी ले आना। राजू भैया से कहना इस बार प्रथम जो आएगा तो उसको ये उसका भैया एक घड़ी पहनाएगा। बहना से कहना अब के राखी पर जब वो आएगी अपने भैया के घर से झोली भर कर ले आएगी। मुखिया ताऊ से मैं चलते वक्त नहीं मिल पाया था, मुखिया ताऊ से, देखिए सबका ध्यान है उसको, मुखिया ताऊ से मैं चलते वक्त नहीं मिल पाया था, पूज्य पिताजी के चरणों को जल्दी नहीं छुआया था। पूज्य पिताजी के चरणों को जल्दी नहीं छुआया था।
सबको है प्रणाम मेरा, अंत में तुमको प्यार मेरा, इन्हीं तुम्हारी आंखों में है सपनों का संसार मेरा, इन्हीं तुम्हारी आंखों में है सपनों का संसार मेरा। दो दिन भी ना बीत सके, एक तार आ गया सीमा से, दो दिन भी ना बीत सके। सैनिक जो सरहद पर है उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो साल भर रक्षा करे और एक क्षण में शहीद हो जाए। दो दिन भी ना बीत सके, एक तार आ गया सीमा से, लड़ते हुए शहीद हो गया, बिछड़ गया बेटा माँ से, लड़ते हुए शहीद हो गया, बिछड़ गया बेटा माँ से। जब छत विक्षत अर्थी आई, हाहाकार मचा घर में, हृदय विदारक क्रंदन था उस बूढ़ी माता के स्वर में। पंक्ति सुनना दोस्तों, मैंने करुणा के और ओझ के स्याही में डुबोकर ये पंक्ति लिखी। हृदय विदारक क्रंदन था उस बूढ़ी माता के स्वर में, धीरज हुआ पलट कर देखा, घाव सभी के छाती पर, धीरज हुआ उलट कर देखा, घाव सभी थे छाती पर, दीपक बुझ तो गया मगर थी चमक अभी भी बाकी पर। धीरज हुआ उलट कर देखा, आज मेरे सारे दोस्त मेरा नया रंग देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। धीरज हुआ उलट कर देखा, घाव सभी थे छाती पर, दीपक बुझ तो गया मगर थी चमक अभी भी बाकी पर। क्या कसूर था उस दुल्हन का जो जीवन से पिछड़ गई, मेहंदी फीकी पड़ी नहीं थी और प्रीतम से बिछड़ गई। जिन हाथों ने घूंघट खोला हाथ वो उसको कटे मिले, जिन अधरों ने मुख चूमा था वो भी मुख से हटे मिले। धू-धू जलती चिता देख कर नयन हजारों छलक पड़े, धरती रोई अंबर रोया और सितारे बिलख पड़े। मौत वो नहीं जिस पर रोए सिर्फ एक परिवार सके, मौत वो नहीं जिस पर रोए सिर्फ एक परिवार सके, मौत वही है जिस पर रोए ये सारा संसार। जल्द नहीं आ पाऊंगा जो कहा था करके दिखा दिया, आने वाली पीढ़ी को एक पाठ अनूठा पढ़ा दिया। केसर की चारी में दहशत की ज्वालाएं निकल रही, कैसे गाऊं गीत देश की सीमा शोले उगल रही, कैसी पीड़ाएं अंदर से निकल रही, कैसे गाऊं गीत देश की सीमा शोले उगल रही। एक सीरियल आता था जब जिसे अशोक चक्रधर होस्ट किया करते थे किसी जमाने में, तो मैंने उनके एक एपिसोड में गीत को पढ़ा। ये गीत मेरा बॉम्बे में मनोज कुमार जी टीवी पे देख रहे थे, उन्होंने गीत खत्म होने के बाद फोन मिलाया अशोक चक्रधर जी, बोले भाई ये लड़का कौन है जिसने गीत पढ़ाया, क्या बढ़िया अदायगी है। बोले जी विष्णु सक्सेना ही है। बोले उनको मेरी बधाई थी।
अशोक जी ने मुझे दूसरे दिन फोन किया, भाई मनोज कुमार जी का फोन आया था आपके लिए और उन्होंने बधाई दी। अब मुझे इतने छोटे कवि गीतकार के लिए मनोज कुमार जैसा बड़ा अभिनेता डायरेक्टर बधाई दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं तो फूल के कुप्पा हो गया। मैं बहुत कई दिनों तक हैंगओवर में रहा तो मनोज कुमार जी का फोन आया। मनोज कुमार बात आई गई हुई और डेढ़ साल बाद फिर अशोक जी के पास फोन आया। मनोज बोले भाई वो कौन सा लड़का था जिसने थाल पूजा का लेकर गीत सुनाया। अब देखिए उनको गीतकार का नाम याद नहीं है, उनको गीत की पंक्तियां याद है। तो अशोक जी कहा वो विष्णु सत्यनाथ। बोले हाँ हाँ वही सत्यनाथ के नाम उससे बात करें, जरा मुझे उससे मिलना है। अशोक जी का फिर फोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा भाई वो तुमसे मिलना चाहता। मैंने कहा मेरे पास तो नंबर भी नहीं है। तो बोले नंबर मैं देता हूँ, तुम बात कर। दो दिन में उनसे बात हुई, बोले शूटिंग वूटिंग करते। जैसे ही मेरी मैंने कहा कि मैं अशोक चक्रधर के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ विष्णु सक्सेना, तो छूटते हुए ओ बड़ी बेसफुल आवाज होती हो, और ये मिस्टर सक्सेना मैं तुमको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, कहाँ हो तुम और क्या अदायगी है आपकी पढ़ी, वो मेरी तारीफ कर देते। मैं अपनी मुझसे तारीफ करूँगा तो खराब रहूँगा। तो उन्होंने मेरी तारीफ की, बोले भाई बहुत अच्छा गीत, क्या गीत था जरा सुना। अब देखिए मेरे लिए बड़ी विषम स्थिति, मैं फोन पर उनको गीत सुना, मैंने कभी किसी को नहीं सुनाया। तो बोले जरा सुनाओ, आपकी लालच अभिनेता एक डायरेक्टर हमसे फिल्म की हमारे गीत सुनना था। मैंने वो गीत सुना, वो मुखड़ा सुना दिया थाल पूजा का लेकर चले। ओह क्या बढ़िया गया भाई, जरा एक अंतरा और सुना। मैंने कहा सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो लंबा नहीं सुना। मैंने वो एक अंतरा सुना, उस अंतरे को सुन के खामोश हो गया। बोले बहुत अच्छा है, चलिए हम बाप से बाद में बात करें। मैं घर पहुंच नहीं पाया था तब तक उनका फिर फोन आया। वो सत्यनाथ जिसका इसका दूसरा अंतरा है क्या माता आ गई थी सुनिए। मैंने फिर घर तब तो घर आ गया था, घर में सुनाने में कोई दिक्कत नहीं, वो बता दूँ मुझे सुनाना था। उन्होंने यूँ करके पूरा गीत सुन लिया, फिर रात को फोन आया। फिर मेरा परिचय हुआ कि मैं भी डॉक्टर हूँ। अरे बोले तुम भी डॉक्टर हो? हाँ। बोले मैं भी होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ। वो होम्योपैथिक के बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। तो यूँ करके उनसे एक ऐसा रिलेशन बन गया। फिर वो रात को लगभग 10 बजे करीब उनका फोन आया। तो उन्होंने कहा विष्णु जरा इस गीत में बरसात भी आ सकती है क्या? मैंने कभी क्यों बोले कि देखो कोशिश करते जी। मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं, मैंने कभी फिल्मी गीत लिखे नहीं है। बोले कोशिश करो, मन की मुश्किल लगता है, कोशिश करो रात को 4-5 पे जब बैठोगे और सुबह बना हुआ मिलेगा। मैं सोचने लगा और सो गया। सुबह और चल रहे थे दिमाग में, सुबह वही बन गया बारिश को लेकर। ठीक 10 बजे फोन आ गया दिन में, क्लिनिक पर बैठा हुआ। हाँ भाई सक्सेना हुआ कुछ? मैंने जी हो गया, देखो मैंने कहा था ना हो जाएगा। तो यूँ करके उन्होंने कभी बारिश बता देते, कभी मंदिर बता देते, कभी कुछ कहते। यूँ करके मैंने सर आप कर क्या रहे, आप मुझे बताइए कि नहीं आप सिचुएशन क्या है। बोले मेरे गीत में सिचुएशन नहीं होती, मेरे गीत में अगर गीत बहुत अच्छा है तो उसके हिसाब से सिचुएशन बना देता हूँ, मैं गीत का अपना अपना मन नहीं बनने देता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत लगती है, बहुत कम लोग हैं जो एडिटेड गीत के लोग ही लगते हैं। तो उन्होंने इस तरह से कह के मुझसे रोज एक अंतरा लिखवाते, तो उन्होंने धीरे धीरे करके 15 अंतरे लिखवा दिए मुझसे। हाँ फिर लास्ट में उन्होंने 15 में से 5 अंतरे छाटे। बोले ये 5 अंतरे रखिएगा, इसमें से भी हम 3 रखेंगे। और हमारी म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम जी जिन्होंने गदर फिल्म में संगीत दिया, उनको आप लिखा दीजिए और इसके गीत को वो धुन बनाएंगे। खैर वाला वो गीत आएगा तब आएगा, द पेट्रियट फिल्म का नाम है, शाहरुख खान उसके में है कलाकारों में। वो गीत आपको सुना होगा कुछ लोगों ने टीवी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ भी सुनाया है मैंने कभी सुने। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा। ताकत चाहिए मुझे आपकी। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन कर दो शहरिये मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए। बनता था
दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ फिर ये पायल बजाने से क्या अरे आपकी आपको भी चाहिए, आपकी दाद चाहिए, आपका आदेश ही नहीं चाहिए, आपका आदेश मानना उतने देर थे, आपकी दाद भी मुझे थी। तुम झीलता मेरा मन, तुम हो पायल बजाने से फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से नना को डगर, डगमगाते डगों से नना को डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा काल उदा लेकर चले आई। मंदिरों की बनावट का घर है मेरा, आरती बन के पूजो दिशाओं में। अगले वन में प्रतीक का प्रयोग किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मेरे जब बड़े कवि कहते हैं कि काम ठीक ठीक हो गया है तो आपको सुनाने का साहस करता हूं। झीलता मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। झीलता मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। अब इशारा करता हूं। घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी है कि ये रात रानी सजा दी। घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी है कि ये रात रानी सजा दी। आमतौर पे इस पंक्ति को मुझे दाद नहीं देती, आप दाद देंगे तो मैं समझूंगा कि सही जगह आया हूँ। पढ़ता हूँ कि जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तू। कभी कभी हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जहां लब खामोश हो जाते हैं वहां इशारे काम करते हैं। एक माइनूट ऑब्जर्वेशन आपके सामने में रखता हूं पंक्तियां सुनते हैं। जो भी कहना है कहें दीजिए बेहिचक उंगलियों से नहीं उंगलियां मोड़िए। जो भी कहना है कहें दीजिए बेहिचक उंगलियों से नहीं उंगलियां मोड़िए। अभी एक बिटिया हमारी गांव मकान में बैठे थे, एक बिटिया पूछ रही थी कि गीत को लिखने के लिए डिक्शनरी भी चाहिए, अच्छे अच्छे शब्द भी चाहिए। ऐसा नहीं, मुश्किल लिखना बड़ा आसान होता है, आसान लिखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। उंगलियों से नहीं उंगलियां मोड़ी, तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय पत्थरों को नहीं कांच से तोड़ी। तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय पत्थरों को नहीं कांच से तोड़ी। कल से हम तुम जो अब हम सफर बन गए, कल से हम तुम जो अब हम सफर बन गए, आइए आइए घर इधर है मेरा, चले आइए।
मंदिरों की बनावट का घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन तकल दो चेहरे मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरे पहले दौर में आपने मुझे प्रेम से चुना। मैं ईश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इतने बड़े छतरपुर में ऐसी विषम परिस्थिति में आप एक एक श्रोता में मिली, समय की हृदय की धड़ा के बराबर ऐसा कह रहा हूँ। आप ऐसी विषम परिस्थिति में सिर्फ मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे, किसी को बर्दाश्त नहीं कर लिया। लड्डू रेलट का नाम लेने लिए जाने वाला था, तब तक बोले नहीं दी उनको बनाई। आपकी मोहब्बत है, अतिरिक्त मोहब्बत है मेरे प्रति। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसने मुझे एक ऐसी नियामत दी है, एक ऐसी चीज दी है जिसके जरिए आप मुझे मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा रहते हूँ, मैं लड्डू इलेक्ट को आमंत्रित करता हूँ। थोड़ा सा आपका रिक्रिएशन हो जाएगा, मैं फिर आ रहा हूँ। आपके लिए भाई साहब चले गए क्या? नहीं ये नहीं, वो जो मेरा नाम लेते ही चल पड़ते थे। मैं बड़ा दहशत में हूँ बोलने से। अच्छा मेरे खड़े होते ही कुछ लोग तो चले गए, वही चले गए जिनको अपने घरों के ऊपर भरोसा नहीं था, या वो चले गए जिनके पड़ोसी पहले चले गए थे। मैं मस्तियों के लिए मंगाया जाता हूँ। आप थोड़ा सा भाई साहब, अच्छा आप तो वहीं बैठे रहो, आप तो मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी। मतलब फेस टू फेस उठा रहे हैं, मतलब सालू भाई अपने गली अपने। अच्छा सालू भाई का मतलब आप लोग जानते हो, सालू भाई, सालू भाई किसे कहते हैं? एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। थोड़ा सालू भाई बजा। गीत सुनने के लिए बैठे हुए और मुझे बर्दाश्त बहुत देर तक नहीं करेंगे, हम डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को पुनः सुनेंगे। लेकिन आपका मन हो रहा है थोड़ा सा मिठाई से अगर उड़ गए हो तो थोड़ी चटनी वटनी भी। मेरा अपना देखो अपना अपना ढंग होता है। डॉक्टर प्रेम के इन दिनों देश के ही नहीं बल्कि संसार में आज उनका जमने के मामले में विकल्प नहीं है, गीतों के मामले में। लेकिन फिर भी ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पढ़ने दो। अगर प्रेम ओशो ने जैसा कहा है कि प्रेम अगर आत्मा से होता है तो उपासना होता है, और शरीर से होता है तो वासना होता है। मैं जो प्रेम वासना से होता है उसके लिए एक मतलब एक शेर कहता हूं, अगर समझ में आ जाए। मैंने इन दिनों एक वैक्सीन ईजाद किया है प्रेम रोगियों के लिए। किसी भी प्रेम रोगी को लगा देना 7 जन्म तक उसको प्रेम रोग नहीं होगा, गारंटी देता हूं। प्रेम रोग में गिरकर चाचा हद से ज्यादा वीक हो गए। प्रेम रोग में गिरकर चाचा हद से ज्यादा वीक हो गए, इज्जत इतनी घटी कसम से, पीक दान की पीक हो गई। इज्जत इतनी घटी कसम से, पीक दान की पीक हो गई। और अब मैं जो वैक्सीन आपको सौंपने जा रहा हूं, अगर आपको लगे कि हाँ ये वैक्सीन उपयुक्त है तो फिर तालियां बजा करके मुझे सूचित करना, एक कविता सुना करके मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हाँ सर, प्रेम रोग में गिरकर चाचा हद से ज्यादा वीक हो गए, इज्जत इतनी घटी कसम से, पीक दान की पीक हो गए। जिससे प्यार किया करते थे, जिससे प्यार किया करते थे, हाथ खोल करके बैठना था, नहीं तो मैं तो हुल्ले का कवि हूं, ज्यादातर पशु मेलों में बुलाया जाता हूं। मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य के अच्छे लोगों के बीच में फंस गए। बस ये ध्यान रखा, प्रेम रोग में गिरकर चाचा हद से ज्यादा वीक हो गए, इज्जत इतनी घटी कसम से, पीक दान की पीक हो गए। और जिससे प्यार किया करते थे उसके घर रोज आना जाके, एक दिन भेद खुल गया उनका,
दो जूते में ठीक हो गए। एक दिन हेर खुल गया उनका, दो जूते में ठीक हो गए। और जो कविता पसंद करते हैं, दो पंक्तियां और कहता हूं कि आड़े तिरछे तिलक लगाकर खुद को खुदा समझने वाले, आड़े तिरछे तिलक लगाकर खुद को खुदा समझने वाले आंखों से भी नहीं दिखते इतने वो बारी हो गए। और कुत्ते से भी बुरी जिंदगी हमने उन लोगों की देखी, कुत्ते से भी बुरी जिंदगी हमने उन लोगों की देखी जो अपने ही कर्म कांड से रावण के प्रतीक हो, जो अपने ही और मक्का इसका कहता हूं कि बापू आशा राम की अबे लकुली बात न करना, बापू आशा राम की अबे लकुली बात न करना, वो तो ऐसे महापुरुष हैं युगों युगों को सीख हो इज्जत इतनी घटी कसम से पीठ दान की भी हो पीठ दान की भी हो। तो सर मैं ऐसा सुनना चाहते हो वैसा सुना दू, वैसा सुनना चाहते हो तो मैं वैसा सुना दू। सर मैं छोटी सी कविता और सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आप उत्साह से सुनोगे तो मैं सुना दूंगा 10-5 मिनट आपको, वरना मेरा तो स्थान सुरक्षित है। हम तो डॉक्टर साहब के संग ऐसे आए जैसे हलवाई के संग फिर ना दिया। देखिए बस आप तो आनंद लो, हम तो कहते थे कि आनंद के लिए ही हूँ। और अच्छा कहीं जाने की जरूरत नहीं, इन दिनों सब कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है, नैतिक पतन का युग है। पिछले दिनों 9 साल का बेटा मुझसे कह रहा, पापा मेरे स्कूल में नई वाली मैडम आई है वो बहुत हॉट है, शी इज वेरी हॉट, बेटे दिमाग खराब है, टीचर माफी समान होती है, ऐसा नहीं बोलते, चुप हो जा। तो तपा से मिला, आप चुप हो जा, हमेशा अपनी जुगाड़ नहीं रहते। ये युग का प्रभाव है सर, क्या किया जाए। मैंने इस बात पर गुस्सा मांगा तो मुझे बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार सर आप जानते हैं, बच्चों को कूटना है की जरूरत नहीं है, अगर हम बच्चों को कूटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप है नहीं कि नहीं। अच्छा ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया बच्चों को कूटने वाला, आप विदेश में बच्चों को पीट भी नहीं सकते। पिछले दिनों मैंने अखबार में समाचार पढ़ा, जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को कूटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हिंदुस्तान हर साल क्यों आते हैं, तो चलो इनको वहां जाकर कूट देंगे। अच्छा कुछ लोग तो एयरपोर्ट पर ही शुरू हो जाते हैं, कब आया हूं पहाड़ के नीचे। मैंने भी क्या कर दिया था पलट के, मुझे पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे, हम इनके ऐसे ही पीटते थे। अच्छा फिर उनके पापा भी पीटते होंगे, हम इनके पीटते ही होंगे। अच्छा उनके पापा भी पीटते होंगे, अबे इनके पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। तो सर हंसने के लिए तो कहीं हमें दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, हमारे बात कहने का ढंग होता है जो आप तक पहुंचता है, आप थोड़ा सा ठहाका ले लेते हैं, मस्ती ले लेते हैं। मैं तो ऑलरेडी एक ऐसे बेटे का बाप हूँ जो एक एक क्लास में 3-3 बार बोली कर रहता है। पिछले दिनों छमाई परीक्षा में फेल हो गया तो मैंने उसको डांट दिया, मेरी सुन ले तू छमाई परीक्षा में फेल हो गया मैंने बर्दाश्त कर लिया, अगर तू वार्षिक परीक्षा में भी फेल हो गया ना तो उसको पापा कहने की जरूरत नहीं है। जब वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट लेकर के आया तो मैंने उसे पूछा, मैंने कि तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, तो सर को खुजला के कहने लगा रहने दे लकुली यार तेरे बाप होने का अधिकार समाप्त हो। सर हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आनंद कब लेगा दूसरी साल फिर फेल हुआ। मैंने उसे फिर पूछा मैंने कि साल के रिजल्ट का क्या हुआ, तो कहने लगा एमएलए साहब का लड़का फेल हो गया। लेकिन बात करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में,
ये जो मैकेनिक की शिक्षा पद्धति जिसको कॉन्वेंट एजुकेशन के नाम से इंग्लिश मीडियम में आप अपने बच्चे को शिक्षा देने का जो प्रयत्न कर रहे हैं ना साहब, भले ही खुश हो जाते हो जब आपका दुर्मुहा 5-6 साल का बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना देता है तो आपकी सीना चौड़ी हो जाता है। मैं आपको कहना यह चाहता हूं साहब, आप ग्लोबल जगत में नौकरियां पाने के लिए भले ही अंग्रेजी बहुत आवश्यक भाषा हो गई है, लेकिन ये आपकी जो हिंदी है इसके बिना नहीं हिंदू, अगर ये हिंदी नहीं बचेगी तो ये हिंदू भी नहीं बचेगा और ये हिंदू भी नहीं बचा सकते। आज हम ऐसे एक युवा ऋषि के सानिध्य में हैं, आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी के सानिध्य में, जिन्होंने हिंदी अपनी भाषा के लिए हिंदी के लिए इतने गर्वित गीतों का आयोजन किया कि उन्हें एक अकेला बुलाकर के लिए आप लोगों ने सुनना चाहते हैं। ये केवल हिंदी का प्रताप है, तब मैं 4 पंक्तियां हिंदी के संदर्भ में आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि चाहते हो यदि आप राम जी को जानना, चाहते हो यदि आप राम जी को जानना तो तुलसी के मानस को सुनिए सुनाइए, बाल कृष्ण लीलाओं का सुख तभी मिलता है, आप सूर सागर में डुबकी लगाइए, बाल कृष्ण लीलाओं का सुख तभी मिलता है, आप सूर सागर में डुबकी लगाइए, ज्ञान तत्व खोलने को साखियां कभी की है, प्रेम के अनन्य पद मीरा के भी गाइए, किंतु है निवेदन जो मानना पड़ेगा सब सबसे पहले आप अपनी हिंदी सीख लें। हिंदी हमको देख क्या सकती है साहब, पिछले दिनों में भी एक मुंबई के छोटे से कवि सम्मेलन में डॉक्टर साहब की कृपा से पहुंच गया था, जिसमें आदरणीय अडानी जी मुख्य अतिथि थे, मैंने उनके समक्ष एक टिप्पणी की, आपके साथ शेयर करता हूँ, आनंद लेना अगर आपको लगे कि हिंदी भाषा ने हमको ये सब कुछ दिया है तब फिर आपका समर्थन चाहता हूँ। मैंने उनके समक्ष एक टिप्पणी की, मेरी की सर सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक पूरे समूचे संसार में ऐसा कोई उद्योगपति पैदा नहीं हुआ कि जिसने कोई ऐसा कारखाना लगाया हो जिससे आम आदमी उसमें काम करे और उसके लिए दो वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाए, लेकिन हमारे जो संस्कारों की भाषा है जो हमें संस्कृति और संस्कार प्रदान करती है उस भाषा में एक ऐसा उद्योगपति पैदा हुआ जिसका नाम होता है बाबा तुलसीदास, और उन्होंने रामचरितमानस नाम का एक ऐसा उद्योग खड़ा कर दिया कि उसकी 4 चौपाई किसी के दरवाजे पर जाके पढ़ दो तो भोजन की थाली आपके सामने अपने आप पर। ये देखिए साहब हिंदी, तब हम इस हिंदी के यज्ञ में आज आप लोगों के बीच में है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हंसते हंसाते आप लोगों के बीच में छोटी सी कविता रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे अगले डॉक्टर साहब जानते हैं मैं चुटकुले सुना करके आपको 2-2.5 घंटे तक भावना कर सकता हूँ, अभी तो मैंने अभी शुरू भी नहीं हुआ, मैं भावना आज हमारे जीवन से हंसी क्यों गायब होती चली जा रही है, मैं 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करता हूँ जीवन से हंसी क्यों गायब होती और जीवन में हंसना कितना आवश्यक है, यहाँ से शुरू करता हूँ। तमाम बुद्धिजीवी मैं जानता हूँ 6 साल की नदी है ये, यहाँ कविता को इतना सम्मान मिलता है पूरे संसार में कहीं भी नहीं मिलता। मैं सर कोशिश करता हूं छोटी सी कविता सुनाने की, दिमाग में जो रुलिया में जो सुनाना चाह रहा था लेकिन मैं शुरू करता हूं, सर ये छोटी सी कविता आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, आम बोलचाल की भाषा में कविता हो सकती है, अभी ये बिटिया कह रही थी कि कठिन शब्द और ये सब उसमें कोई जरूरत नहीं होती, कविता कविता तो सरलीकरण है, डॉक्टर साहब ने कहा सरलीकरण है, जितनी वाल्मीकि जी की रामायण से रामचरितमानस इसलिए लोकप्रिय हुआ तो आम जन की भाषा में है, मैं आम जन की भाषा से जोड़ता हूँ, छोटी सी कविता कविता पीड़ा से पैदा होती है, पीड़ा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा वक्त नहीं देना है आप लोगों के बीच में थोड़ा सा समय, एक छोटी सी कविता का सुनिए। 100% उद्दंग उतना ही नटखट जवाब देता है, झटपट निर्भर करता रहता है शोर, 100% उद्दंग उतना ही नटखट जवाब देता है झटपट निर्भर करता रहता है शोर, आज मैंने अपने बेटे का दिमाग घुमाया सामान्य ज्ञान की ओर, मैंने जैसे ही उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय पक्षी तो उसने कहा मोर, मैंने कि बहुत अच्छे शाबाश मेरे बच्चे, मेरे कितने प्रश्नों का तेरे पास हल है बता अपना राष्ट्रीय फूल तो उसने कहा कमल है, मेरे एक एक प्रश्न को करता गया थे मेरे एक एक प्रश्न को करता गया थे, जैसे ही मैंने उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय पशु तो उसने कहा सिर, अब मामला करवाने लगा, मैं एक के बाद एक प्रश्न उठाने लगा, मन ही मन विचार करने लगा, बहुत इंटेलिजेंट हो गया मेरा छोरा, मेरा अगला प्रश्न और उसके दिए गए उत्तर में अगर मेरे व्यंग कहने का सलीका आप तक पहुंच जाए तो फिर मुझे सूचित करना, 1.5-2 मिनट की कविता आप तक पहुंचा देता, जैसे ही मैंने उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय पशु तो उसने कहा शेर, मामला गरमाने लगा, मैं एक के बाद एक प्रश्न उठाने लगा, मन ही मन विचार करने लगा, बहुत इंटेलिजेंट हो गया मेरा छोरा साहब, जैसे ही मैंने उसे प्रश्न पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय वर्तन तो उसने कह दिया कटोरा।
जैसे ही मैंने उससे पूछा बता अपना राष्ट्रीय वर्तन, तब उसने कह दिया कटोरा। कटोरे का नाम सुनकर उसका दिया गया उत्तर मेरे हलक में अटक गया, राष्ट्रीय चिंतन और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका शैक्षिक स्तर ऊंचा नहीं हो जाता। समूचा संसार हमारी तरफ तब निगाहें उठाता था जब हम काशी में विश्व की सर्वाधिक उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान को प्रणाम कर देते, और आज हमारा नौजवान विदेशों की तरफ देखता है। तब ये पीड़ा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा पद्धति को ठुकरा करके ये नैतिक पतन के बीच जो अपने समाज में बोली रहता, इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है कि 5-8 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हुई, 5 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हुई, दामिनी के साथ जो कुछ भी हुआ, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बातें की जा रही है। साहब मैं हमेशा कहता हूं बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ बेटों को। ये बेटियां तो बची हुई हैं, देख लिया आपने रिया ओलंपिक में पदक लाके दे दिया आपको, बचाने की जरूरत है बेटों को बुराइयों से। ये उस रास्ते पर चल चुके हैं जो मेरा इंटरनेट का रास्ता है। ये बेटे बचे तो ये बेटियां अपने आप बच जाती हैं। मोदी तुम सरकार चलाओ ये बेटी खुद बच जाएंगी, अगर जरूरत पड़ी देश को तो ये बेटी देश बचाएगी। स्थितियां तो छोटी छोटी बातों से आपको कुछ बात कहने की कोशिश करते हैं, इस देश का माहौल खराब है, कोई भी कुछ भी कह देता है, कसीना लेके बैठे हैं गुड्डू भाई साहब चले गए, मैं कहते हूँ उसमें रखना था कि जय नहीं बोले छुरी रख दो, मुझे मिल गया पिछले दिन एयरपोर्ट में। अरे मेरी किसी जानता है भारत माता की जय कैसे बोली जाती है? साफ चपड़ी सुनना, अगर अंदर हो जाए हलचल तब तालियों से सूचित करना, मैं तो गड़बड़ा तालियों की हलचल का कभी हो। मैंने क्या कह रहा था भारत माता की जय, तू भारत माता की जय बोलना जानता है? अब निकम्मे तू तो ये भी नहीं जानता कि भारत माता की जय बोलने के लिए स्वयं का भी पवित्र होना बहुत आवश्यक होता है। जिन लोगों के मुंह पवित्र नहीं वो भारत माता की जय नहीं बोल सकते। मैं तब ये कुछ बातें कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। जैसे ही मैंने उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय वर्तन, तो उसने कह दिया कटोरा। पीड़ा होती है साहब, मैं काले की शिक्षा पद्धति ने हमें कहां ला करके खड़ा कर दिया है। हमारा दुख वहां बच्चा जिन सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है साहब, अंदर से दर्द होता है, बस्ते के साथ किताबें ले जाना भूल जाए लेकिन कटोरा ले जाना नहीं। कहां लाकर खड़ा कर दिया हमने उस विद्यालय को जिनमें कभी स्वामी विवेकानंद भी अध्ययन किया करते थे, जिनमें कभी दयानंद सरस्वती भी हमें उन विद्यालयों में किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत है, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हमने जिनके विद्यालय में किए, वो विद्यालय कहां चले गए? इस लोकतंत्र प्राथमिक 79 साल में मैं तो पिछले दिनों उस विद्यालय में चला गया जिनमें कभी पढ़ा करता था, वहां जाकर अभी लोग अध्यापक बैठा बैठा कुर्सी पे सो रहा, शाम में बैठे बैठे बच्चे बीड़ी पी। मैंने बड़ी मुश्किल से गुरुजी को जगाया, मेरी गुरुजी आप सो रहे हो, देश का भविष्य बीड़ी पी रहा है, ये बीड़ी क्यों पी रहे हैं? तो कहने लगे ये गांव है यहां सिगरेट मिलती नहीं। उस लड़की को रात भर पीड़ा रही तमाम, उस लड़की को रात भर पीड़ा रही तमाम, आशा की थी राम की और मिल गई आशा राम। कहां लाकर खड़ा कर दिया इस देश को, कैसे कैसी ऋषि मुनियों का देश था ये पता है आपको? गौतम का बाल व्यास बामदी को बालमी कपिल कलाव से महानंद ज्ञानी थे, अर्जुन से वीर अमरीश थे, समान हरिश्चंद्र कर्व से महान यहां दानी थे, नारद से देवलोक के तुल्य भारत था साहब। तब ये टिप्पणी करता हूं दूसरी शिक्षा पद्धति के नाम,
तीसरी साल फिर फेल हुआ। आप क्या सोच रहे थे मेरे बेटे का फेल होना बंद हो गया क्या? तो मैंने उसको डांटते हुए कहा, देख शर्माली की लड़की को, शर्माली की लड़की को देख, निकम में हर विषय में चांद और प्रचंड नंबर लेकर के पास हुई है और तू फिर साल फेल हो गया, देख शर्माली की लड़की को। तो बड़े गुस्से में बोला, हाँ हाँ उसी को देखने के चक्कर में फेल हो गया। हम अपने घरों में अभिनंदन चढ़ाने लगे हैं लेकिन खुद कभी अर्जुन बनने की कोशिश नहीं करते। मेरा मानना यह है कि जिस दिन हम अर्जुन बन जाएंगे तो अपने घरों में अपने आप अभिनंदन कर रहे हैं। एक बात आपके साथ शेयर करता हूं, धार्मिक मंच पर हूं, पवित्र स्थान पर हूं, मैं आपको बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप जानते हैं अभिनंदन चक्रव्यूह में मारा गया था? ये भी जानते हैं चक्रव्यूह में क्यों मारा गया था? सातवां वार तोड़ने की कला नहीं जानता था। आप ये भी जानते हैं कि सात उसने चक्रव्यूह तोड़ने की कला कहां सीखी थी? मां के पेट में ही सीख गया था। मुझे शिकायत अभिमन्युओं से है, मुझे शिकायत माता सुभद्राओं से भी, मुझे शिकायत न अभिमन्युओं से है। तमाम बुद्धिजीवी लोग बैठे, बात हो जाए तो तालियां हाथ ही को खड़े करके बजा देना सर, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे शिकायत अभिमन्युओं से नहीं है, मुझे शिकायत माता सुभद्राओं से भी नहीं है। मैं अर्जुन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, 17 साल की उम्र में अभिमन्यु मारा गया था, 17 साल की उम्र में, क्या 17 साल में अर्जुन को एक दिन भी ऐसा नहीं मिला कि अपने बेटे को सातवां बार तोड़ने की कला के बारे में? ये किस समस्या है सर इस देश की? सबसे संकट अधिक प्रेम पर आ गया, वो तो बचाए ना कभी सुन सक्षम है जैसे कुछ लोगों की वजह से। सही बता रहा हूँ मैं आपको, वरना ये नौजवान पीढ़ी तो कहाँ लाकर खड़ी करती है इस कंप्यूटर ने। मैं तो पिछले दिनों एक स्कूल का जुलूस देख रहा जिसमें आगे आगे लड़कियां पीछे पीछे लड़के और लड़कियों के हाथ में झंडे और लड़कियां नारे लगाती जा रही, देश की रक्षा काम करेगा, देश की रक्षा काम करेगा, और पीछे से नौजवान लड़के छाती कूट कूट के कह रहे हम करेंगे। मैंने लड़के को बुलाया, तुझे बताया कि देश कहाँ है, तुझे आगे आगे जाओ। यहां लाकर खराब कर दिया। मैं सही बता रहा हूं आपको, पहले जमाना हुआ करता था, हम कबूतर के गले में चिट्ठी बांधते थे, कबूतर से कहते थे कबूतर जा, पहले जा की पहली चिट्ठी साजू को दिया। दादाजी आपके जमाने के तो कबूतर भी ईमानदार होते थे, आपकी चिट्ठी ठीक जगह पहुंचती होगी। समस्या तो उनके सामने है जिनके हाथों में मोबाइल और कंप्यूटर है, अगर ये कबूतर के गले में चिट्ठी बांध भी दे तो कबूतर से कहना क्या चाहते हैं? कबूतर जा, कबूतर जा, कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी किसी तीसरी को दे। ये स्थिति आज समाज की प्रेमी से जो प्रेम का या भागती को दिखती है, भागने का हमने कोई कारण नहीं दिया। प्रेमी संग प्रेम का यहाँ भाग की तो दीखती है, भागने का हमें कोई कारण नहीं दीखता, कह कर वाने वाले कंस बन सके है किंतु प्रेम का पुजारी कोई कष्ट नहीं, प्रेम का पुजारी कोई कष्ट नहीं दीखता। यहाँ इंद्रदेव सैकड़ों कष्टों का घूमते हैं, इन्हें आपका सतीत्व नष्ट करने के लिए वैभव के देवता के रूप में हीरो अंडा होकर चले गले के नीचे में आपको तमाम इंद्रदेव दिखाई देंगे। इस समाज में से किस करैक्टर को आप खो रहे हैं मैं आपको याद दिलाता हूं। प्रेम का पुजारी कोई कष्ट नहीं दिखता, यहाँ इंद्रदेव सैकड़ों कष्टों पर घूमते हैं, यहाँ इंद्रदेव सैकड़ों कष्टों पर घूमते हैं, पर वीर हनुमान ब्रह्मचारी नहीं, वीर हनुमान ब्रह्मचारी नहीं दिखता। और इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे वीर अभिमन्यु, किंतु पाठ को पढ़ाने वाला अर्जुन नहीं, पाठ को पढ़ाने वाला, पाठ को पढ़ाने वाला अर्जुन नहीं दिखता। या एमएलए और एमपी की कोठी बनती दिखती है, आता हुआ उनका हमें धन नहीं दिखता, आता हुआ उनका हमें धन नहीं दिखता, और सांप बिच्छू काटने का जहर करता दिखता है, पर इस आदमी की काटने का धन नहीं दिखता, आदमी की काटने का धन। ये जो स्थितियां हैं समाज की साहब, इन समस्याओं को मैं वही लौट करके आता हूं, हम कहां आकर के खड़े हो गए इससे अच्छे परिवेश में साहब। आज आप महसूस करते होंगे जब स्कूल ओपन होते हैं साक्षरता अभियान के तहत,
सरकारें खर्च करती है। और पहले गुरुजी को पता होता था कि किसका लड़का स्कूल नहीं आया, जिसका बच्चा स्कूल नहीं आता था गुरुजी तीन चार हफ्ते करते लड़के भेजते थे और कहते थे कि जाओ स्कूल नहीं गया, फिर उसको बड़े सम्मान के साथ उठाया जाता था, दो लड़के पैर पकड़ते थे, दो हाथ पकड़ते थे, फिर ले जाते थे हाथी घोड़ा पांव, ये सम्मान ये भी तीन चार बार का। मैंने देखा कि यहाँ तो मैकाली की शिक्षा पद्धति के माध्यम से एजुकेशन दी जाती है, बच्चों को ऐसे ही बुलाया जाता है जैसे हमको बुलाया जाता था। तो मैं धन्यवाद देने के लिए गुरु जी के पास पहुंचा, मुझे गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो बच्चों को ऐसे ही बुलवाते हो जैसे हमें बुलवाया जाता था। तो गुरु जी बोले आप गलत समझ रहे हो, मेरे की तो ये कौन है कि ये लड़का नहीं है, तो मेरे की कौन है कि ये मास्टर है, 15 दिन से स्कूल ही नहीं आया। ये स्थिति हमारा अध्यापक साहब अपनी वैल्यू भूल गया, हमारा अध्यापक अपनी वैल्यू भूल गया है। पिछले दिनों एक पावर को लेकर के कॉन्फ्रेंस था, बात आपकी समझ में पहुंचे शायद, पावर को लेकर के कॉन्फ्रेंस था, तो डीएम साहब, एसपी साहब, मंत्री जी और एक अध्यापक बेचारा सभी बैठे करके बातचीत कर रहे थे। डीएम साहब ने कहा कि मेरी इस जिले में इतनी पावर है कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो एसपी साहब उठ के खड़े हो गए, वाह आपकी क्या पावर है, हमारी पुलिस साथ नहीं दे तो कोई पावर आपकी काम नहीं करती, यानी कि मेरी बड़ी पावर। दोनों को इस तरह पावर के लिए झगड़ते देकर मंत्री जी ने कहा कि चुप हो जाओ, ये पावर हम आपको प्रदान करते हैं, इसलिए हमारी बड़ी पावर। फिर अध्यापक का मजाक उड़ाते हुए कहा गुरुजी आपकी क्या पावर है, अब गुरुजी का जवाब सुनना समझ में आ जाएगा अध्यापक की क्या पावर होती है इस समाज में, जिसको हमारा अध्यापक भूल गया है। तब मैं अगली उस कविता को आप तक पहुंचाने की अंतिम कोशिश करता हूँ। अध्यापक की क्या पावर, गुरुजी का मजाक उड़ाते हैं, गुरुजी आपकी क्या पावर है, गुरुजी ने कहा भैया देखो पावर वावर के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, आज भी साइकिल से स्कूल आता जाता हूँ, स्कूल में पहुंचकर दो चार लड़कों में चांटे मारता हूँ, दो चार में डंडे लगाता हूँ, किसी को मोटा बना देता हूँ, आगे चल करके वही डीएम बन जाते हैं, वही एसपी बन जाते हैं, वही मंत्री। ये अध्यापक की पावर है जिसको हमारा अध्यापक भूल गया है, ये स्थितियां ऐसा। तब मैं उस कविता को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, हमने विद्यालय को कहां ला करके खड़ा कर दिया। एक और मैं एक चुटकी लेता हूँ, उसके बाद में उस कविता को आप तक पहुंचा देता हूँ, पुलिस काम ग्रहण भी करना है। पिछले दिनों एक अधिकारी आ गया विद्यालय में, तो एक लड़का घुटने से नीचे का अंदर पहले बैठा, अधिकारी का दिमाग खराब, सरकार दो दो ड्रेस से मटवाती है, लड़का घुटने से नीचे का अंदर पहन करके आया, इसके साथ कुछ गड़बड़ है, लड़के को खड़ा किया क्यों भाई तुम ड्रेस पहन के क्यों नहीं आया, मैं तुम्हारा नाम कटवा दूंगा। लड़का बोला आप मेरा नाम नहीं कटवा सकते, क्यों नहीं कटवा सकता, मैं इसी स्कूल में पढ़ता ही नहीं, तू स्कूल में कैसे आया भाई, मैं तो बगल के खेत में बकरी चरा रहा था, गुरु जी कह रहे थे अधिकारी आ सकता है और मिड डे मील की लिस्ट लंबी बन गई है, तू आकर के बैठ, दो रुपए मिलेंगे, अब ये बताओ आप लोगे कि गुरु जी देंगे। अधिकारी का दिमाग खराब, अध्यापक को बुलाया कि भाई मिड डे मील के चक्कर में संख्या बल बढ़ाने के लिए आप भर्ती लड़के बैठाते हो, तुम्हें तो सस्पेंड कराना चाहिए। अध्यापक बोला आप मुझे सस्पेंड नहीं करा सकते क्योंकि मैं भी इस स्कूल में पढ़ाता नहीं, फिर तुम कैसे आगे, तुम्हें अपने भाई के बदले में आया, भाई भाभी को ससुराल लेने चला गया था, शिक्षा कर्मी है, बता रहा था नौकरी तो वैसे भी खतरे में चली है, मेरी जगह पे जाके तू पढ़ा, तो सर आप मुझे सस्पेंड नहीं करा सकते। अब तो अधिकारी का दिमाग खराब, प्रिंसिपल साहब के कमरे में जाकर के कहा कि तुमने विद्यालय की क्या स्थिति खराब कर दी, ध्यान मंदिर की तुम्हारी तो सेवा समाप्त करा देनी चाहिए। तो प्रिंसिपल साहब के जो कमरे में बैठा था कहने लगा सर आप यहां भी गलत फंसे, मैं भी प्रिंसिपल नहीं हूं, प्रिंसिपल तो मेरे चाचा जी हैं जो परचूनी की दुकान भी करते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपए मुझे देकर के गए हैं और ये कहकर के गए थे कि अधिकारी आए तो 10,000 रुपए देकर इस रजिस्टर पर दस्तखत जरूर करा लेना, आप ये 10,000 रुपए पकड़ो और इस रजिस्टर पर दस्तखत कर दो। आप सुनना चाहो, अगर बात समझ में आया तो मुझे आदेशित कर देना, मैं उस कविता को आपको सुना दूंगा। जैसे ही अधिकारी ने जेब में रुपए रखकर रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए ये कहा कि वो तो मैं हूं जो 10,000 में माना जा रहा हूं, वरना कहीं असली अधिकारी आ जाता तो ये स्थितियां ऐसा। और आप लोग देखते होंगे कि इन 70 सालों में आखिर हमने क्या किया, भाई साहब आप उठ के उसके बदला मैं सही बता रहा हूं, मैं विधवा हो जाऊंगा, मैं समझ गया आप सुनाए सब सुनेंगे। असल में 70 साल में हमने क्या किया, ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। 70 साल में जो इस देश की स्थिति होनी चाहिए क्या वो स्थिति आपको दिखाई देती है, हर आदमी ये कहता है कि देश को आगे जाना चाहिए था, और आगे जाना चाहिए था, और आगे जाना चाहिए था, उसका
खोज कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पिछले दिनों 3 इंजीनियर मरने के बाद में यमलोक में पहुंचे और जैसे ही इंजीनियरों का यमलोक में प्रवेश हुआ यमलोक का दरवाजा भरवा के टूट गया। यमराज का दिमाग खराब, पृथ्वी लोक से कैसी आत्माएं आई हैं, यमलोक का दरवाजा टूट गया। पता चला कि तीनों इंजीनियर है, एक पाकिस्तान का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। यमराज ने कहा भाई तीनों इंजीनियर हो आप, यमलोक का दरवाजा टूट गया है, बनवाना है, सस्ता कौन बनवा सकता है। तो पाकिस्तान के इंजीनियर ने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं बनवा सकता हूं। कितने में बनवा देगा भाई? कि 9,000 रुपए में बनवा दूंगा। कैसे खर्च करेगा भाई? 3,000 रुपए लेबर के लगेंगे, 3,000 रुपए सामान आएगा और 3,000 रुपए मुझे चाहिए, 9,000 रुपए में दरवाजा बनवा दूंगा। जापान के इंजीनियर से पूछा भाई तुम कितने में बनवा सकते हो? तो जापान के इंजीनियर ने कहा कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करूंगा, यमलोक का दरवाजा पूरा भव्य बनाऊंगा, 12,000 रुपए खर्चे में आएंगे। कैसे खर्च करेगा भाई? 4,000 की लेबर लगाऊंगा, 4,000 का सामान लाऊंगा, 4,000 मुझे चाहिए, 12,000 रुपये में दरवाजा बना सकता हूँ। हिंदुस्तान के इंजीनियर से कहा भाई तुम कितने में बनवा सकते हो? हिंदुस्तान के इंजीनियर ने कहा सर 29,000 रुपये, 29,000। यमराज को पसीना, भाई दोगुने से भी ज्यादा खर्च करेगा, कैसे खर्च करेगा? अब जवाब समझ में आ जाए तो मुझे सूचित कर देना, मैं कविता समाप्त कर दूंगा। भाई कैसे खर्च करेगा, कैसे खर्च करेगा? हिंदुस्तान के इंजीनियर ने कहा देख भाई यमराज 10,000 को तीरे और 10,000 को तेरे और बचे 9,000 को पाकिस्तान वाले को ठेका दे देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना खाने के बाद भी हम कुछ करना नहीं चाहते साहब, ये स्थितियां इस देश की है। तब मेरी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जैसे ही ये और ये सब शैक्षिक प्रवेश की कमी है मैं ये महसूस करता हूं, तब ये कहता हूं जैसे ही मैंने उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय वर्तमान, तो उसने कह दिया कटोरा। कटोरे का नाम सुनकर उसका दिया गया उत्तर मेरे हलक में अटक गया। राष्ट्रीय चिंतन और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मैं तसल्लुक की भाव पर अटक गया, मैं पीड़ा गाना चाहता हूं। कहा जितने भी कविता समझने वाले लोग हैं वह केवल वही समर्थन करते, 4 पंक्तियां मैं पीड़ा की, जिन बच्चों की पीड़ा, जिसको देश का भविष्य कहते आ रहे हैं बहुत दिन से, लंबे समय से मैं भी सुनता रहा हूँ बड़े बड़े लोगों के मुझे कि देश का भविष्य, इस देश के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप, मैं वो पीड़ा आप तक कहना चाहता हूँ। आज गरीबा अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है, आज गरीबा अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है? 1 रुपये के लिए सुबह से उसको टाल रहा है, भूख प्यास के डर से आहत लगता है बेचारा, उसे पढ़ाने नहीं अभावों में जीने की आदत डाल रहा है, उसे अभावों में जीने की आदत डाल रहा है। इस 21वीं सदी का ये कैसा हुआ विकास, कंचन से मर गया गुनाहों के आस पास, जिनके हैं बस खिलौनों से खेलने के दिन, वो कचरे में घूमते मिले दूसरी गिला, वो कचरे में ढूंढते मिले दूध के गिलास। कल चलते हुए रेलवे पुल की सीढ़ियां मैंने चित्रों में से सत्ती देखी आगे की पीढ़ी, कल चलते हुए रेलवे पुल की सीढ़ियां मैंने चित्रों में से सत्ती देखी आगे की पीढ़ियां, बिखरे पड़े थे इस तरह से देश के बारे से जैसे किसी ने फेंक दी पौधी के बीच। ये है आपके देश के बचपन का हालात, तब ये पीड़ा गाता हूँ। जैसे ही मैंने उसे पूछा कि बता अपना राष्ट्रीय वर्तन, तो उसने कह दिया कटोरा, कटोरे का नाम सुनकर उसका दिया गया उत्तर मेरे हालत में अटक गया। राष्ट्रीय चिंतन और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मैं प्रसन्नता की भाव अटक गया और संग रह गया खड़ा। सार्वजनिक तालियां देकर के सर मुझे विदा करना, संग रह गया खड़ा। तब मेरे कंधे को झिझोड़ते हुए मेरे बेटे ने जो मुझसे कहा कि पापा इस कटोरा संस्कृति को हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने बढ़ाया है, इसीलिए मिड डे मील के नाम पर हम राष्ट्र के भविष्य और धर्मों के हाथ में, कटोरा पकड़ाया है। और भले ही हम विकास की दौड़ में बहुत बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि विश्व के कई देशों के सामने हम आज भी कटोरा लिए खड़े। और अंत में मैं अपने कवि को प्रमाणित करता हूँ, मैंने जो श्रेष्ठ लिखा उसमें से 2-4 पंक्तियां और पढ़ करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरे हाथ में मैं भगवानों के सामने 2 पंक्तियों में बात कहता हूँ कि मेरे हाथ में ये जितने भी नौजवान दोस्त मेरे यहाँ पर हैं, मैं उनको ये सौंपता हूँ, ये पंक्तियां मेरे जीवन में याद कर ले। मैं गारंटी देता हूँ दुख उनकी जिंदगी में कभी आ नहीं सकता। इस आशा के साथ ये 2 पंक्तियां सौंपता हूँ मैं आपको।
कि मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए, मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए, मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा। मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं, मैंने किसी भगवान को देखा नहीं, मैंने किसी भगवान हर घर में नहीं जा सकता था, इसलिए अपना प्रतिनिधि माँ के रूप में आपके घर में भेज दिया था। तभी तो आपको न सोना याद आता है न चांदी याद आती है, न सोना याद आता है न चांदी याद आती है, आप जब भी मुसीबत में होते हैं तो माँ की याद आती है। और चार पंक्तियां नौजवान दोस्तों को संकल्प की सौंपता हूँ, कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ये चार पंक्तियां उन्होंने अपने ध्यान में रखी तो सफलता उनको मिलती है, सफलता उनको मिलती है, सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सफलता उनको मिलती है, सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं उन्हें फिर मान लेते हैं। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं उन्हें फिर मान लेते हैं। समय सबको ही मिलता है, प्रकृति का नियम है निश्चल, बुलंदी वो भी छूते हैं जो सब पहचान लेते हैं।